नमस्कार मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी पीड़ित आए हुए हैं आज जो पीड़ित मेरे पीछे हैं ये कहाँ से हैं और क्या मामला है मैं इनसे ही जान लेता हूँ आपका क्या नाम है पूनम श्रीवास्तव आप कहाँ से आई हैं बिल्लो और नगर से आपका क्या मामला है आप क्या बताने आई हैं यहाँ कमिश्नर को सर हम ये बताने आए मेरे पति 2017 में ख़त्म हो गए उसके बाद में मेरी सास हमको एक महीना सात दिन के बाद हमको गांव में छोड़ आई मैं गांव में रहते दो तीन साल गांव में चार साल काटा उसके बाद में मैं अपने बच्चों को लेकर के कानपुर किराए के कमरे पे आके रहने लगी मैं मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही थी जब मेरी बेटी ग्यारह साल की हुई तब इन लोगों ने बैला फुसला कर ले गए और मेरी ननद रेनु श्रीवास्तव जो होम में है वो ज़्यादा हमको पीड़ित सताती है और वो हर तरह से वो करती हैं जो कि अपने ससुराल नहीं जाती हैं यहाँ ही रहती हैं उनकी शादी सन 2002 में हुआ था आप ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी और किस तरह से पति का आपका एक्सीडेंट हुआ और किस तरह वो मृत्यु हो गई मेरे पति इस तरीके ख़त्म हुए हमारी शादी दो में हुआ था उसके बाद में मेरे पति एक्सीडेंट दुर्घटना में मृत्यु हो गई मैं अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पालती रही जब मेरे बच्चे छोटे छोटे रहे तब मेरे बच्चों को कोई नहीं पूछा अब मेरी बेटी जब 11 साल की हो गई तब इन लोगों ने उसको फ़ोन की लालच कपड़े लत्ते की लालच और दुनिया भर की लालच देखे इन लोगों की चरित्रहीन है रेणू भी चरित्रहीन है रेणु की लड़की तनु भी चरित्रहीन है इसलिए मेरे बेटी को गलत रास्ते पे ले जाने के लिए मैं वहाँ रहने से सं, संतुष्ट नहीं हूँ मेरी बेटी को आप लोग कृपा करके दिलाएं जैसा कि इनका कहना है कि हमारी सास और हमारी नंद इन लोगों ने साँगाठ कर, कर हमारी बेटी को बैला फुसला कर जब जबरन हमसे छीन कर अपने पार रख लिया है और उसको बे, उसको बहका कर और उसको गलत लालच देकर उसको अपने अंडर में किए हुए हैं और इनको वापस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने क्या कार्रवाई की हमने पुलिस कमिश्नर को दिए हम बिल्लौर थाने में अप्लीकेशन देने जाएंगे तो रेणु श्रीवास्तव तो बताती हैं कि तुमको कोई यहाँ मारेंगे मेरा राशन भी आया है मैं उन लोगों के डर से मैं अपनी राशन लेने नहीं जा रही हूँ हमारे बच्चे को खाने के लिए नहीं है सर उसके बाद में मेरी बेटी मेरे सामने कभी खड़ी होकर बोलती नहीं थी वो बेटी हमको अब गाली गलौज कर रही है आज फोन से न ये लोग फोन दे रही उससे बात करने हमसे जैसा इनका कहना है कि ये बहुत है और डरी हुई है इनका कहना है मेरा राशन जो मिलता था मुझे बिल्लौर से मैं वहाँ पर नहीं जा पा रही हूँ मुझे ख़तरा है अपनी नन से क्योंकि वो होमगार्ड है और उसकी वहाँ पे अपनी पकड़ है ऐसा ना हो मुझे मेरे साथ कोई वारदात हो जाए और मेरी हत्या भी करा सकती है तो जो डरी सहमी हुई है आज ये कमिश्नर को अवगत कराने आई थी कि इनको इंसाफ़ मिले और इनकी बेटी को जो तो जबरन उन्होंने उन्होंने पकड़ रखा है उसको इनके हवाले किया जाए तो आपसे कमिश्नर साहब ने क्या कहा कमिश्नर साहब ने यही कहा कि मैं आप चलिए घर मैं सुनवाई करता हूँ इनको सिर्फ आश्वासन मिला है आप जाइए मैं कार्रवाई करता हूँ अब देखना होगा कार्रवाई होती है या नहीं होती है और कुछ बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से और क्या हमारे जो है सर हमारी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी बेटी हमको दिलाई जाए नहीं ये लोग हमारे बेटी को गलत धंधे में डाल देंगे हम अपने बेटी को अपने गरीबी के हिसाब से पालना चाहती हूँ बाकी हमसे उन लोगों से कोई लेना मेरा देवर भी ख़त्म हो गया मेरी दीवरानी की बेटी पंद्रह दिन की थी तभी लोगों ने छिला के मेरे दीवरानी को भी भगा दिया देवर भी उसी टेंशन में ख़त्म हो गया अब घर में कोई नहीं है केवल मेरा एक लड़का है जो कि कल से हम मायल में लेकर उसको भरती हैं ये लोग लेकर मेरे बेटिंग नहीं आ रहे हैं हम अकेले भूखे पिया आपका बच्चा कितने वर्ष का है पांच साल का वो आपके साथ रहता है हाँ हमारे साथ रहता है और एक बेटी रहती थी आपके साथ हमारे साथ एक बेटी रहती थी मेरी जैसा कहना इनकी एक बेटी और एक बेटा इनके साथ रहता था ये मेहनत मजदूरी करके अपना पाना घोषणा कर रही थी लेकिन ये इलेक्शन में ये वोट डालने गई उन्हें मौका पाकर इनकी बेटी को जबरन पकड़ के ले गए और इन्होंने उनसे विरोध किया तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई कि अगर तुमने बच्चे को मांगा मांग तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी या डरी सहमी हुई आज कमिश्नर ऑफिस में आई हुई है अपनी बात को यहाँ कमिश्नर को अवगत करा रही हैं अब देखना होगा कमिश्नर किस तरह संज्ञान लेते हैं मामले को और कैसे क्या इंसाफ दिलाते हैं इनको और मैं चाहूँगा कि इस महिला से पूछूँ कि अगर उसको यहाँ इंसाफ नहीं मिलता है वो कहाँ जाएगी आपको यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा आप कहाँ जाएंगी मेरे सार रू और ऊपर जाएंगे कार्रवाई करेंगे जाए। और अगर आपकी बात को मैं आगे योगी आदित्यनाथ जी के बात पहुँचा दूँ जबकि उनका कहना था कि महिलाओं को न्याय मिल रहा है और जिस तरह आप परेशान दिख रही हैं ऐसा प्रतीत होता है आपको न्याय तो नहीं मिला आप दर दर भटक रही हैं अगर आपकी बात मुख्यमंत्री से मैं कहूँगा आपके फरियाद के वहाँ तक पहुँचाऊँगा आप उनसे क्या कहेंगी हम उनसे यही कहेंगे कि सर हमारी बेटी हमको दिलाई जाए इन लोगों के साथ में ना रहे हमारी बेटी हम इन लोगों के साथ में नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि ये लोग क्रेडिटेडलेस हैं इसलिए हम नहीं रखना चाहते इनका कहना है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये फरियाद करूंगी ये लोग करेक्टर के अच्छे नहीं है मेरी बेटी का भविष्य खराब हो जाएगा जिस कारण उस बेटी को हमारी हमको वापस कराया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए अब अगली अपडेट में नए पड़कर अवगत कराएंगे जब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन एंटी करप्शन से साथ में कैमरा मैन कुमार नमस्कार जय हिंदी